दोस्तों, जैसा कि आज हमारे पास कॉल आया है ग्राम बर्मानांग से, तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए आपको वहाँ से मिलाते हैं जिनने हम लोगों को कॉल किया था, उनसे परिचय कराते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश राय। कहाँ से नंबर मिला आपको? मीडिया से सोशल मीडिया सही हो, मोबाइल से। कहाँ हाँ पर साहब देखा है? निकल जी, गुम्मा में। आइए निकाल के आपको दिखाते हैं सांप, कौन सा सांप है। हालांकि फोटो में थोड़ा समझ आ रहा था कि धामन सांप है। कुछ नहीं होगा, आप घबरा मत। नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, सांप को हमने देख लिया है। ये इंडियन रेड स्नेक है, ये नॉन वेनम सांप है। और जो हमारे यहाँ इसका एक भ्रम होता है कि ये सांप बहुत जहरीला होता है, इसलिए दुनिया भर की अफवाह होती है इस सांप की, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। नहीं, अभी ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है। और देखो, अभी इसने कुछ खाया है। आपके वहाँ जो थोड़ा वो था ना, बोलते हैं चूहा वाला घोंसला, तो या तो इसको छोटा चूहा मिल चुका है ये, तो हाँ वो नहीं काटता। नहीं, तो बहुत शांत सांप है, कभी भी इस सांप से कोई किसी को भी खतरा नहीं रहता है, ना इस सांप से घबराएं, क्योंकि ये जहरीला सांप है ही नहीं। ये इंडियन रेड स्नेक, और हम लोग यहाँ हिंदी में इसको धमना यानी धामन बोलते हैं। तो ये अभी छोटा बच्चा है, इसी साल का बच्चा है ये। डर नहीं ये चीज डरने वाला इससे कोई काम ही नहीं है, ये काटता ही नहीं है। ये सब ये कभी हमेशा किसान का मित्र माना जाता है। इसकी पूंछ में आपको कुछ दिखाते हैं, क्या है देखिए, कहाँ से काटता है इसमें, जब कुछ काटा ही नहीं है तो कहाँ से काटेगा। वो अपने यहाँ एक अंधविश्वास है, ये पूंछ से काटता है, ये पूंछ से नहीं काटता है। कोई भी जीव हो, चाहे इंसान हो, इंसान हाथ से काट लेगा, काटेगा तो मुंह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ से भी एक छलावा है। और हमेशा इसका एक भ्रम रहता है, इसके क्या है, जो जहरीला सांप होता है उसका दो दांत होता है, इसके तो हम लगभग 100-150 दांत होते हैं इसमें। अब ये खाना खा गया ना, ये खा गया, देखिए दिख रहा है, जो खा ही में ये चूहा खा लिया होगा, इसमें चूहा ही खाता है ये सांप। अब ये कम से कम 1-2 महीने तक ये कुछ नहीं खाएगा। अच्छा, हाँ, अब ये 2 महीने तक खाएंगे। हाँ, कोई भी सांप जैसे इतने अपन जैसा रोज रोज भोजन थोड़ी करते हैं सांप। एक उनको एक बार शिकार मिला, हम बहुत दूर के हैं, हरपुरा हरपुरा मैं ये इसने अभी हमको 4-5 दिन पहले इसी सांप ने काटा था ना। अच्छा। वो बड़ा था, लेकिन कुछ नहीं उससे होता, कुछ नहीं है, नहीं होता। मैं इसमें कोई जहर नहीं होता है। पहली बात तो ये काटता नहीं है, काटता तब है जिस पे कोई दबाव पड़े। अभी ऐसे इसको अपन दबाएंगे, पाँव पड़ेगा तब काटेगा। तो
हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो देखा करो, उसी पे नंबर रहता है। कभी भी कोई सांप घरों में निकले, सांप नहीं कोई भी बेजुबान जानवर, देखिए अंटी लगाने में माहिर है सांप, देखिए कहीं भी लगा सकता है, अंटी मारने में माहिर है। तो हम आएंगे, हम फ्री रेस्क्यू करते हैं, चाहे आपके घर में कोई घोड़ा हो या सांप हो या कुछ भी हो। हाँ ऐसा तो जंगल से नहीं पकड़ते वो, तो पहली बात तो हमारा मकसद नहीं था कि यहाँ से सांप पकड़े, लेकिन इनका घर परिवार यहीं पर रहता है तो इसीलिए सांप पकड़ने आए, नहीं तो हम लोग गांव से पकड़ के इनको जंगल में छोड़ते हैं, जंगलों से पकड़ते नहीं जंगलों में छोड़ते हैं। तो चलिए इसको पैक करते हैं, लोग हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि इसका कोई मंत्र होता है। देखिए आपको एक बात बता दूं, सांपों के कान नहीं होते हैं, जब सांपों के कान नहीं होंगे तो मंत्र कहाँ से सुनेगा। अरे सांप गिर गया, हम बोल रहे थे ना इसमें सांप है गिर गया, वो देखिए दिख रही है तुम लोगों को था ना इसमें, तो तुम बोल रहे थे ना जो कौन सा सांप है, तो इस कुकरी इसने खाई ये जो हल्को सांप जो कौन सा सांप है ये सब मिलते हैं, ये बच्चा है यार, बच्चा है। बड़ा सांप कौन सा पैदा होता है। चलिए तो हम लोगों ने इसको भी पैक कर लिया है, चलते हैं इसको इसके पुनर्वास में छोड़ेंगे, बस बने रहिए वीडियो में। और इन लोगों से सभी से अनुरोध है, हमारा एक चैनल है स्नेक्स एक बार विष्णु अभी डाउनलोड कर देते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे कभी भी किसी के घरों में सांप या कुछ भी निकले हम लोग फ्री रेस्क्यू करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जैसा कि अभी हमारे बर्मा यही बगल में गांव है बर्मा डांग 25-30 किलोमीटर, तो वहां से हमने एक सांप रेस्क्यू किया है इंडियन रेड स्नेक धामन, तो इसको हम लोग यहाँ पे अब इसके प्रवास में छोड़ने के लिए आ चुके हैं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। और आपको एक बात बता दें कि हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं, अपना घर से पेट्रोल जलाकर जाते हैं, इन चीज़ों को बचाते हैं, हर बेजुबान की मदद करते हैं। आप लोगों से मेरी हमेशा यही अपील रहती है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तभी हम लोग आगे जा पाएंगे और हमेशा इन जीवों को बचा पाएंगे। तो आइए इसी कड़ी में आज हम लोग एक बेजुबान को फिर रिलीज करते हैं, और बेजुबानों को रिलीज करने का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए दिखाते हैं आपको छोटा सा सांप, बहुत ही सुंदर, देखिए दोस्तों ये इंडियन रेड स्नेक है, धामन बोलते हैं हमारे यहाँ जिसको, और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। देखिए इसने कुछ खा लिया है, अभी दिखलाइए नजदीक से, ये देखिए पीछे देखिए, ये जहाँ पे था ना ईंटा में, तो इसने कुछ खाया हुआ है, तो ये छोटा ही बच्चा है। और जहाँ पे था ना, जैसे हमारे यहाँ गुम्मा बोलते हैं, तो गुम्मों में वहाँ पे क्या था कि चूहा का एक घोंसला था, हो सकता है चूहे के छोटे छोटे बच्चे हों या चूहा हो, इसने चूहा खा लिया। हमेशा ये सांप किसान मित्र माना जाता है, कभी भी दोस्तों आप लोगों को यह सांप दिखे तो आप डरें नहीं, सीधा हमसे कॉल संपर्क करें और हम इसको ले जाएंगे। जी में कितनी निकल रहा है देखो, तो इसको हम लोग अब जाने देते हैं। और ये सांप एक खासियत है, ये काटता नहीं है कभी किसी को, और काटेगा तो कुछ होगा ही, तभी काटेगा तब इस पर कोई पैर पड़ेगा या कुछ होगा। हम लोगों तो लोग बोलते हैं ना कि ये बीन पर नाचता है कोई सांप, एक ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग स्टंट करते हैं तो जहरीले सांपों से स्टंट नहीं करते हैं, ये बहुत सीधा सैर सांप है, इसलिए हम लोग इसको जाने देते हैं, और हमेशा की तरह अपने बिल में ये भी जाएगा। देखिए दोस्तों देखिए सांप की पकड़ देखिए कितनी है, छोड़ूंगा एक सेकंड। इसी कड़ी में दोस्तों एक छोटा सा स्नेक और है, कॉमन कुकरी स्नेक, ये बहुत छोटा सा बच्चा है बेबी, तो उसको भी हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, हमारे पास तो जीवित नहीं रह पाएगा, तो उसको भी हम लोग यहीं छोड़ देंगे,
क्योंकि रात में निकला था एक लोगों के हमारे ही गांव के घर में। ये बहुत ही सुंदर सांप है, आइए इसको नदी से दिखलाइए। इसका कलर पहचानना है, ये छोटा सा सांप है, इसका कलर नहीं पहचानते लोग। हमारे यहाँ बोलते हैं कॉमन करेट, यानी कैया करेटा इसको बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉमन करेट सांप होता है उस पर काला होता है, उस पर सफ़ेद धारी होती है, इस पर हमेशा काली धारी है। और इसके चेहरा है ना जहाँ इसका मुंह, तो यहाँ पे ऐसा भी बना है उल्टा। और कुकरी नाम इसका इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि देखिए यहाँ जा रहा है, इसको आगे से छेड़ेंगे तो ये कुकर के बैठ जाएगा। इसी घड़ी में इसको भी हम लोग जान देते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। इसको भी हम लोग बहुत ही फुर्ती में चला गया है साहब। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो, हमारे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते अपने घर की ओर। जय हिंद, जय भारत।